कसया कुशीनगर। नागरिक उड्डयन विभाग की 13 गांवों में स्थित भूमि पर कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास परियोजनाएं स्थापित करेगा। कसाडा के अध्यक्ष आयुक्त गोरखपुर ने भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के दूसरे दिन ही इसे लेकर अधिकारियों में तेजी दिखी। कसाडा इस भूमि पर आवासीय, व्यावसायिक और सामुदायिक योजनाएं लॉन्च करेगा। कसया तहसील क्षेत्र के कनखोरिया, सेमरी, सेमरा धूसी, डीहवा बुजुर्ग, परसौनी, मुकंदहा, बैरिया राजा, बेलवा रामजस, भरौली, नीबी, कसया, बेलवा दुर्गा राय, नरकटिया खुर्द, मथौली, खोराबार, भलुई मदारी पट्टी, गोपालगढ़, चरगहा सहित कुल 19 गांव में नागरिक उड्डयन विभाग की भूमि है। कई भूखंड मुख्य बाजार और हाईवे के किनारे स्थित हैं। भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। कसाडा ने इस भूमि पर माल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, आवासीय कॉलोनी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पार्क, पार्किंग आदि बनाने की योजनाएं बनाई है। इसके लिए भूमि का कसाडा के नाम हस्तांतरण जरूरी है। गुरुवार को आयुक्त की अध्यक्षता में कसाडा बोर्ड की बैठक हुई थी। आयुक्त ने तहसील प्रशासन को भूमि का डेटा तैयार कर हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया था। 5 हेक्टेयर है कुल भूमि। 19 गांव में नागरिक उड्डयन विभाग की कुल 105 हेक्टेयर जमीन है। 52 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट सीमा के भीतर है। 1/3 जमीन सड़क किनारे है, जबकि 18 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। शेष 20 हेक्टेयर भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से कच्चा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रशासन अतिक्रमण वाले भूमि को खाली कराने की योजना बना रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बुड़ बोहरा ने कहा कि योजना पहले से ही बनी है, अब क्रियान्वयन शुरू किया गया है। हस्तांतरण की अनुमति के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। कसाडा की योजना इस भूमि पर आवासीय, व्यावसायिक व सामुदायिक योजना लॉन्च करने की है।